जय श्री राम, हर महादेव। दोस्तों हो चुकी है सुबह, बस ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये पीछे जो मंदिर है, कल रात्रि का विश्राम हमने इसी मंदिर पर किया। बोधि धर्मन जी का मंदिर है ये, मतलब बोधि धर्मन जी यहाँ से गुजरे थे जब वो यात्रा पर थे, तो यहाँ पर वो रुके थे शायद, ये कुछ ऐसा सुनने में आया है। तो यही मंदिर था, और उधर हम साइड से जा रहे थे मेन रोड से, तो वहां से साउंड आ रहा था भजन के, तो बस हम यहाँ पर आए। पंडित जी से पूछा रुक सकते हैं क्या, तो हम मंदिर पे तो नहीं रुके लेकिन साइड वाले घर पे रुके हैं। तो बस अब हम यात्रा पर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी हो चुकी है, तो बढ़ते हैं आगे, बने रहे, कहाँ पहुँचते हैं। निकल चुके हैं अब हम हमारी यात्रा पर आगे श्रीशैलम की ओर, और यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 75 किलोमीटर। तो दोस्तों मंदिर से निकल के हम इधर साइड वाले मंदिर को देख के, क्योंकि ये रोड साइड था इसलिए हम इधर साइड आए थे, लेकिन इधर साइड कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो हमने साइड में एक ये बना हुआ था, इधर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि ये उसके ऊपर बना हुआ है, मतलब घास फूस का बना हुआ है, इसलिए अभी हम यहीं पे भोजन बना के खाएंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या बनाया। A few minutes later. तो दोस्तों बिट्टू भैया ने बना लिया है भोजन। भोजन में हमारी बाटी नहीं है, रोटी है और दाल है, और बिट्टू भैया की शक्ल कितनी अच्छी दिख रही है आज, क्योंकि इन्होंने पानी बहा लिया है अपना, पानी नहीं पसीना बहा लिया है ये पीछे। अरे उसको बुझाते देते तो आँच लग रही है यार बहुत तेज, उधर से ये आवाज वो आ रही है, एक तो लपट खा रहे हैं और ऊपर से उसकी हवा लग रही है, समझा करो यार बिट्टू। तो आज ये बुझाते नहीं है उसे। हाँ तो ये सब बुझा दो, वो तो वो अपने आप कुछ चाहिए। तो उस पर बनाया बिट्टू भैया ने, और दाल है, और दाल हम आज एक ही ले सकते हैं, मतलब एक ही बार ले सकते हैं, जो कि मैं लेऊंगा दो बार बस। अच्छा, बाकी बाटी हमारे वो सॉरी रोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 रोटी बनाई है बिट्टू भैया ने, जो कि हमको शाम तक पूर जाएगी, है ना। नहीं मैं तो अभी खाऊंगा नौ की नौ पूरी, तेरे को एक दूंगा बस। अच्छा ठीक है भैया, ये दवा ले। तो बस अभी खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, 4 बजे 5 बजे फिर आपको बताते हैं, कि नहीं। तो भाई निकलने का समय हो चुका है क्योंकि अभी 3 ही बजी है वैसे तो, और अधिकतर हम 4 बजे निकलते हैं, लेकिन इसलिए निकल रहे हैं बादल अच्छे हैं और सूरज भी अभी छुप गया है, तो इसी मौसम में हम चल लेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा ज्यादा, फिर धूप लगेगी तो कम चल पाते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। A few minutes later. तो दोस्तों अभी हम मंदिर से बस खूब से खूब 100 या 200 मीटर ही आगे आए थे, और हमें अंकल जी ने रोका है, बोल रहे हैं अंकल जी और उनके भाई ने रोका है, या उनके बेटे होंगे वो, बाकी अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने बोला कि आगे मतलब होटल नहीं है, तो आप हमारे घर से रोटी खा के चल जाओ और चलो। है ना। तो दोस्तों अभी चाचा जी ने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या भी है, ये आलू की सब्जी है और चावल है। चाचा जी से मिलाते हैं आपको। चाचा जी, चाचा जी आपका शुभ नाम, नेम? शिवम ब्रह्म। शिवम ब्रह्म। ब्रह्म। तो चाचा जी आपका आपका होटल है सामने हमारा? हाँ। चाचा जी ने हमें आगे ओनली शॉप अच्छा अच्छा जी ने हमें आगे रह के बुलाया और ला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलू। खाते हैं। तो दोस्तों भैया ने रोटी खिलाई थी, वहां से हमने 2 घंटे विश्राम करके, मैं वैसे विश्राम नहीं करा, ये साइड में इंसान मोबाइल ही चला रहा था 2-2 मिनट में, अब ये सोए फिर मैं देखता हूँ ना कि ये कैसे सो जाता है, बाकी बढ़ गए हम। तो दोस्तों सुबह से हम जब से निकले हैं लगभग 14 किलोमीटर चल के हम कुंभम पाड़ू गांव में आ चुके हैं, यहाँ पर मंदिर है एक छोटा सा, गूगल मैप पे तो पता नहीं रहा था, लेकिन एक भैया से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर मंदिर है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, तो हम यहीं पर रात स्टे करेंगे आज, आज रात्रि का विश्राम हम यहीं पर करेंगे। हमने भोजन तो हमको भोजन तो भैया ने ही करवा दिया था, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी सुबह के साथ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।